दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके। दरअसल सर, बात करने जा रहे हैं नोटबुक बनाने का बिजनेस शुरू कर, कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा आगे बढ़े। पहले दोस्तों बता दो, बिस्टर टोरी में से हमें क्या गलती जा चाहते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस आइडिया की नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। दोस्तों अगर आप एक अच्छा बिजनेस पहले साल से ही अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो ये सही समय है। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर तो शुरू होगा ही, लेकिन साथ ही अप्रैल से नया एजुकेशनल ईयर भी शुरू होगा। दोस्तों यदि आप एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस अप्रैल से पहले ही शुरू कर देते हैं तो अप्रैल शुरू होते ही आपको अच्छा खासा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बिजनेस को सरकार की योजनाओं के तहत लोन भी आसानी से मिल जाता है, जिस कारण आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है। दोस्तों अप्रैल से नोटबुक की डिमांड काफी बढ़ जाती है। यदि आप मार्च में यह बिजनेस शुरू करते हैं तो एक माह में आप अपना बिजनेस अच्छी तरह से जमा सकते हैं। इस एक माह के दौरान आप अपना नेटवर्क भी खड़ा कर सकते हैं और अच्छी खासी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ताकि डिमांड होने पर आपके पास नोटबुक की कमी ना हो जाए। दोस्तों वैसे तो नोटबुक की डिमांड पूरे साल बनी रहती है। दोस्तों अगर आप नोटबुक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। इसके बाद आप मुद्रा स्कीम के तहत बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा तैयार की हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप 9 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल लोन और 3,50,000 रुपए टर्म लोन ले सकते हैं। इस तरह आप लगभग 16,50,000 रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वैसे अब सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिस कारण रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ही आसान हो गया है। इसके बाद आपको मशीनरी खरीदनी होगी, एक पेपर कटिंग मशीन जिसकी कीमत लगभग 85,000 रुपए है। इसके अलावा ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन की कीमत लगभग 2,80,000 रुपए है। इसके बाद नंबरिंग मशीन जो लगभग 5,000 रुपए है वो लेनी होगी। दोस्तों उसके बाद आपको मैनुअल सप्लायर कॉम्बो प्रेस वाइंडर सबकी कीमत 15,000 रुपए होगी। इस तरह आप कुल 3,90,000 रुपए में सारी मशीनरी खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा आपको लगभग 50,000 रुपए का फर्नीचर भी खरीदना होगा। इसके साथ साथ आपको नोटबुक बनाने के लिए 3,50,000 रुपए का रॉ मटेरियल भी लेना होगा, जिसमें पेपर, कवर पेज, जूट वाइन, आयरन वायर, व्हाइट पाउडर और कपड़ा भी शामिल है। आप इतनी लागत में 2 लाख नोटबुक, 40,000 रिकॉर्ड बुक और 40,000 नोटपैड तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आप 150 पेज की नोटबुक की होलसेल कीमत 22 रुपए 5 पैसे और 100 पेज वाली रिकॉर्ड बुक की कीमत 32 रुपए और 50 पेज की नोटपैड की कीमत 3 रुपए रख सकते हैं। यदि आप एक साल में ये सब बेच देते हैं तो आपको सारे खर्च निकालने के बाद लगभग 7,20,000 रुपए का मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले साल में मशीनों का खर्च भी तो जोड़ा गया है। और बिक्री की बात करें तो आप बड़े बड़े होलसेलर से संपर्क करके अपना माल आसानी से बेच सकते हैं, या आप स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपना माल बेच सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस के साथ साथ अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। बाकी सब हम जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है।
हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक से कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के अपलोड चैनल से आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।